हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं एक नया डिश बनाने जा रही हूँ जिसका नाम है चावल की कचौरी, जो मैंने शादी के पहले नहीं सुना था, मेरे मायके में कभी नहीं बना था। शादी के बाद में मेरी सासू माँ बनाई थी, मैं ससुराल में खाई थी, उसके बाद में मैं आज बनाने जा रही हूँ। देखती हूँ कैसा बन पाता है। कुछ कुछ तैयारियाँ मेरी हो गई हैं, थोड़ी बहुत बाकी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या तैयारी कर लिया है अभी तक। ये मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है, जिसका मुझे बनाना है सेवई। मतलब सेवई को भी मैंने भून लिया है। आलू मेरा बॉईल हो गया है, इसको छौंका लगा के उसका मसाला बना लेंगे। इसमें मैंने रख दिया है दाल पकने के लिए, और मैंने आटा लगा दिया है थोड़ा गूंद के, और इसको मैंने पानी डाल के रख दिया है। थोड़ा फूक जाएगा तो और अच्छा बनेगा। अभी मेरे खीर में, सेवई में ड्राई फ्रूट, चीनी और सेवई, ये सब डालना बाकी है। बाकी मैं आपको बताती रहूँगी। और ये जो मैंने आलू की कचौरी बनाऊँगी, इसको खाते हैं नारियल की चटनी के साथ में, ऐसा मुझे बोला गया है। मुझे नहीं पता कैसे खाते हैं, किस चीज़ से। फिर मिलते हैं आपसे आगे। फिर आलू को छौंका लगाने के लिए मैंने मसाला तैयार किया था, जिसमें हरा धनिया, लहसुन, मिर्चा, ये सब डालते हैं। फिर मैंने आलू डाल के उसको, जो स्टफिंग होता है वो मैंने रेडी कर लिया। आलू को अच्छे से मसाले में मिक्स कर दिया। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा हींग डाल दिया, और हींग अच्छा रहता है, डालना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने नमक डाला अपने स्वाद के अनुसार। फिर ये मेरा तो बन गया कचौरी के अंदर, जो भरते हैं चावल का आटे के अंदर में। फिर उसके बाद में ये नारियल की चटनी बनाने के लिए नारियल काट के उसको पीस लिया। उसके बाद में ये मैंने डाल दिया तेल, मैं राई के तेल से बना रही थी। फिर उसमें मैंने राई डाल दिया और थोड़ी करी पत्ता डाल दिया, लाल मिर्चा दूसरा डालते हैं, मेरे पास था नहीं तो मैंने यही डाला। फिर जो सारा चटनी के लिए पीसा था वो डाल के चटनी को तड़का लगा के उसमें नमक डाल दिया। फिर मसाला पापड़ बनाया और कचौरी बन गई थी, उसको फ्राई करने के लिए डाला। फिर फ्राई हो गया, मुझे डर भी लग रहा था अच्छा बनेगा कि नहीं। फिर ये मेरी कचौरी रेडी हो गई, मैंने दिया खाने के लिए। पहली बार बनाया लेकिन इन्होंने खाया तो इनको अच्छा लगा। आई होप बाकी लोगों को भी अच्छा लगेगा, कभी मैं बना के खिलाऊंगी। मेरा डिनर बन गया, जो मैं कचौरी बना रही थी बन गया, खा लिया। कोई आने वाला था, वो भैया अभी तक आए नहीं हैं। 11:30 बज गया है रात का, शायद वो आएंगे भी नहीं। और तो भी हमने खा लिया कि खा लेते हैं, भूख लग गई थी बहुत। और अब मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई है। मैं कुछ शाम को 6:30 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक किचन में ही थी। मुझे पता चला कि मेरे ससुराल में एक देवर को लड़की हुई है, तो ये मेरी एक यादें बन गई कि जब मैं पहली बार कुछ ये बनाई थी तो वो पैदा हुई थी उस दिन। क्योंकि पहली बार हम जब कुछ करते हैं तो उसकी एक्साइटमेंट बहुत अलग होती है। बाकी तो ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।